बताओ भाई जी, ज्योति प्रभात, ज्योति प्रभात कहाँ रहती है? ज्योति परमार, ज्योति परमार, परमार कहाँ रहती है? हाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये क्या हुआ है तुझे गठिया भाई? क्या हो गया गठिया भाई में तुझे? डॉक्टर क्या बोले? खंड भी कराई थी तो क्या बताया? गठिया भाई है आपके हाथ मुड़ गए, आपके हाथ कैसे ठीक होंगे जब आपके गठिया भाई है? आप क्या करते हो बोलो? अरे करते क्या थे? हॉस्पिटल में क्या करती थी? स्टाफ नर्स थी। तो आप दूसरे की सेवा करते करते मुड़ गए है? अब आपकी सेवा कौन करेगा बोल? दर्द रहते हैं शरीर में गठिया भाई के? दवाई खाते हो? दर्द गए गठिया भाई के कभी भी आपके शरीर से? कभी भी दवाई छोड़ दी, दर्द नहीं गए? दर्द रोज रहते हैं, दवाई लेने से ज्यादा होते हैं। दर्द दवाई लेने से और ज्यादा होते हैं। इन पूरे हाथों में अभी बताओ दर्द कहाँ है? ऊपर नीचे उठाओ खून, दोनों हाथों को उठाओ, उठाओ जी एन एम साहब उठाओ। है दर्द? मुट्ठी बंद करो, यूं घुमाओ। घूम रही है? दर्द है? हा हा ना, अभी मैंने जब हाथ नहीं लगाया था तब भी था ना? ठीक है, अभी पैर चलाओ ऐसे, जयशंकर जयशंकर बोलो। और कहाँ दर्द होता है? कमर में भी होता है? हाँ, घूमो एक बार, पूरे शरीर को ही देख लेता हूँ एक बार। पता चल गया जी एन एम जी, पता चल गया कि डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है? तू डॉक्टरों को बेलन मारेगी चार, ये कहेगी तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है इन बीमारियों का, मैं तो खान खाने जी एन एम बनी, भगवान का नाम लेती तो 50 लोगों को ठीक कर देती, अब यहाँ तो खुद ही बीमार हो गई। कभी भी गठिया भाई नहीं होगा भगवान का नाम लेने वालों को। क्या हुआ, ज्यादा लग रहा है जी? बस ये क्या कितना दर्द है जी एन एम? कहाँ दर्द? बोले श्री देव महाराज जी एन एम कहाँ दर्द है? क्या बात कर रही है? खड़ा नहीं हो जा रहा मेरे सामने आते ही दर्द का हाथ बोले।